स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है चैनल के और एक वीडियो में। इस वीडियो में फिर से आपके लोरे कैसे यूजीडीटी माइनिंग वेबसाइट को लेकर चुका ऑर्डर ग्रैबिंग वेबसाइट, जिसमें से आप यूजीडीटी का ऑर्डर ग्रैबिंग करके बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वेबसाइट को आपके लिए हर रोज लाता रहता हो। तो गाइस, आपको बता दूं, फर्स्ट में जो आपको साइन अप करने के लिए वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। आपको ईमेल आईडी को डालना है, लॉगिन पासवर्ड को फिर से आप डालना है, फिर अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड को डालना है और आपको सीक्रेट के रूप में कुछ भी अपने ऐप पर लिख देना है, जिसमें आप याद रहे, फिर रजिस्टर आपके ऊपर क्लिक कर लेना। तो चलिए गाइस, मैं सब कुछ कम्प्लीटली अच्छे से भर लेता हूँ। तो गाइस, वेबसाइट के अंदर एंटर होने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है। कंपनी का जो प्रोफाइल है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वीआईपी का कुछ टास्क वगैरह दिया जाता है। यहाँ पर अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे तो वेबसाइट का रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर बताया जाता है। जैसे कि आप देखते हो, मतलब प्रॉफिट के बारे में, कितने का प्रॉफिट वगैरह होता है। नीचे जाएंगे तो बहुत सारे आपको शॉपिंग मॉल देखने मिलता है, जैसे फ्लिपकार्ट दिया है, शॉपी दिया है, वॉलमार्ट दिया है, लेजाडा दिया है, एवे दिया है और वेस्ट वायर, अमेजॉन जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनी इनमें जुड़ा हुआ है। इनके थ्रू आपके यहाँ पर जो ऑर्डर ग्रैबिंग करना होता है, सबसे पहले बता देते हैं वेबसाइट का जो लाइव कमीशन आपको दिखा देता है, कितने लोग कितने अर्निंग कर रहा है यहाँ पर बताया जाता है। चले पर टास्क के बारे में बात करेंगे तो डेली का कुछ टास्क दिया है तो उसके यहाँ पर दिया जाता है आपको कंप्लीट हुआ कि नहीं। टीम के बारे में बात करेंगे तो टीम के ऑप्शन पे क्लिक करने पर सिंपल इस लिंक को ना यहाँ से कॉपी करके अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना होता है। अगर आपका फ्रेंड इस पर ज्वाइन की इन्वेस्ट करते तो उसका कमीशन आपको देखने के लिए मिलता है। आपका फ्रेंड कितना लोग ज्वाइन हो रहा है, कितना लोग रिचार्ज कर रहे हैं, सबको यह बताया जाता है। और बता दो, इसमें जो आपको टीम ए से लेकर टीम ई तक, टीम ए बी सी डी ई तक आपके पास अर्निंग देखने के लिए मिलता है। जो भी बेनिफिट होता है सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है और डिटेल आपके पास देखने मिलता है। सिंपल डिटेल के ऊपर क्लिक करना होता है। ए का डिटेल पूरा यहाँ पर बताया जाएगा, बी का डिटेल यहाँ पर पूरा बताया जाएगा। इस तरह से पूरा देखने के लिए मिलता है। चलिए वी आई पी के बारे में बात कर लेते हैं। इस वी आई पी को अपग्रेड करने के बाद ही जो आपको, अगर इस वी आई पी को अगर वी आई पी वन को अपग्रेड करेंगे तो आपके पास फ्लिपकार्ट अपग्रेड हो जाएगा। अगर वी आई पी टू का अपग्रेड, वी आई पी मतलब वी आई पी वन पे शॉपी, वी आई पी टू पे वॉलमार्ट, इस तरह से कुछ यहाँ पर अर्निंग अपग्रेड करना होता है। देखा, अपग्रेड करने के लिए कुछ यूजीटी की जरूरत होती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ यूजीटी फ्री में दिया था, कुछ यूजीटी का आपको रिचार्ज करना होता है। कैसे बता दो, देखिए माइक ऑप्शन में जाना है, जाने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर जो 7 यूजीटी दिया है। अगर मैं वो 2 यूजीटी का रिचार्ज करूँगा तो मुझे यहाँ पर जो 2 यूजीटी का यहाँ पर जो वी आई पी वन जो अपग्रेड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके बताऊँगा। देखिए यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर माइक ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद एक रिचार्ज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली रिचार्ज बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे रिचार्ज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक एड्रेस दिया जाएगा। आप देख सकते हो इस एड्रेस को आपको क्या करना है, ऐसे कॉपी करना है। देख सकते हैं ऐसे इस एड्रेस का ऐसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने बाद आपको ट्रोन वॉलेट में जाना, जहाँ से आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। सो गाइस, सिंपल मैं अपने वॉलेट में आ चुका। आने के बाद आपको अपने यूजीडीटी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखते यूजीडीटी को सिलेक्ट कर लिया, सेंड पर क्लिक किया, जिस एड्रेस को कॉपी कर उसको पेस्ट कर दे, अपने अमाउंट के बाद डाल दिया। 2 यूजीडीटी, 7 यूजीडीटी ऑलरेडी है, 2 यूजीडीटी का रिचार्ज करूंगा तो 9 यूजीडीटी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो मैं पर 2 यूजीडीटी का रिचार्ज कर लेता हूँ। आपको सिंपल नीचे कन्फर्म का बटन है, कन्फर्म कर देना है। जैसे कन्फर्म करेंगे लोडिंग लेगा, आपको क्या करना है कुछ समय तक वेट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते पेंडिंग में चला गया। अभी क्या करना है, 102 बार रिफ्रेश करना है। करने के बाद आपका जो है बिल्कुल ही सक्सेसफुली हो जाएगा। सो गाइस, आप देखते हैं यहाँ पर जो कंप्लीट हो चुका है, 2 यूजीडीटी का ट्रांसफर हो चुका है। अभी क्या करना है, आपको वेबसाइट में रिटर्न जाना है। देखिए वेबसाइट में आने के बाद नीचे जब पर सबमिट का ऑप्शन है, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है। 15 सेकंड का टाइम लेगा, 2 से 3 सेकंड के अंदर आपके यहाँ पर सबमिट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं अपर जो 9 सेकंड है, 8, 7, इस तरह से आपका कुछ इस तरह से सेकंड आएगा, आने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कंप्लीट हो चुका है और आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर 9 यूजीडीटी दिया जाएगा। अभी चलिए बता देते हैं, मेरा करंटली जो पर देख सकते हैं पर जो 9 यूजीडीटी वाला अपग्रेड हो चुका है। अभी देखते मेरा 10 टास्क दिया है, उसके ऊपर कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं पर कंप्लीट कैसे करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पर होम में जाना है, जाने के बाद यहाँ पर फ्लिपकार्ट 0 मतलब वी आई पी 0 को अपग्रेड किया, 9 यूजीडीटी से 30 यूजीडीटी से वी आई पी 1 को अपग्रेड करते। देखते हैं बहुत सारे टास्क दिया है, इसको कंप्लीट करना है। सिंपल कंप्लीट करने के लिए तो सिंपल क्या करना है, इस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, रैंडमली कोई भी ऑर्डर के ऊपर। फिर आपके पास सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैं पर जो ऑर्डर को कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपके यहाँ पर आएगा, फिर से आपको किसी ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको सभी ऑर्डर को कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हैं मैं पर जो ऑर्डर को कंप्लीट करते जा रहा हूँ। आपको इस तरह से ऑर्डर को कंप्लीट करना है। टोटल 10 ऑर्डर है, मेरा टुडे का टास्क है, तो ये 10 ऑर्डर को कंप्लीट कर लेना है। देख सकते कुछ ऑर्डर बचा हुआ है और 2 ऑर्डर बचा है, तो मैं इस 2 ऑर्डर को भी देख लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, करने के बाद आपको बता देता हूँ। तो अब देखते हैं आखिरी ऑर्डर बचा है मेरा, जो अपना 10 ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं अपने टास्क पर जाता हूँ। जाने के बाद देखते हैं टास्क है और 10 ऑर्डर देख सकते हैं जो मेरे पास कंप्लीट हो गया है। आप क्लियर है, पर देख सकते हैं पूरे ऑर्डर को कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं अपना कमीशन भी बता दूँ। देखते मेरा कमीशन टोटल इतना बना है, इसको मैं डेली का डेली विड्रॉल लगा सकता हूँ। देखिए विड्रॉल लगाने के लिए विड्रॉल बटन, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका अपना पेमेंट मेथड को ऐड करने के लिए बोलता है। पेमेंट मेथड मीन मतलब आपका TRC20 वॉलेट एड्रेस के ऊपर ऐड कर देना है। सब कुछ अच्छे से डाल लिया, डालने के बाद सिंपल यहाँ पर देखते ऐड हो चुका है। अभी बैग जाते जाने के बाद अपने अमाउंट के यहाँ पर डालना है और यहाँ पर जो सबमिट